और बहनों नमस्कार। आज हम आपको फलों में अनार फल की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान संचार की ओर से। तो अनार जो है एक पौष्टिक गुणों से परिपूर्ण स्वादिष्ट रसीला और मीठा फल है। अनार का रस स्वास्थ्यवर्धक और स्फूर्तिदायक होता है। इसके फलों के छिलकों से पेट की बीमारियों की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसके दानों को धूप में सुखाकर अनार दाने बना सकते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। मेवाड़ अंचल में विशेषकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि जिलों की जलवायु इस खेती के लिए बहुत अनुकूल है। इसके आगे मध्य प्रदेश में भी रतलाम है, आपका उज्जैन है, धार है, ये जिले इसकी खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके लिए जलवायु चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु अनार उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। पौधों में सूखा सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है, परंतु फल विकास के समय नमी का होना बहुत जरूरी है। अनार के पौधों में पाला सहन करने की भी क्षमता होती है। फलों के विकास में रात के समय ठंडक और दिन में शुष्क गर्म जलवायु जो काफ़ी सहायक होती है। ऐसी परिस्थितियों में दानों का रंग गहरा लाल और स्वाद मीठा होता है। वातावरण एवं मृदा में नमी के अत्यधिक उतार चढ़ाव से फलों में फटने की समस्या बढ़ जाती है और उनकी गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भूमि कैसी चाहिए, तो अनार लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए जल निकास युक्त बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से लेकर 8 के मध्य हो उपयुक्त होती है। इसके पौधे में लवण और क्षारे का सहन करने की भी काफ़ी क्षमता होती है। अब इसकी उन्नत किस्मों की बात करते हैं, तो पहली किस्म हम बता रहे हैं भगुआ, जिसका नाम किस्म का भगुआ है। इस किस्म के पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, फल आकार में बड़े और लाल रंग के, दाने लाल रसदार और मीठे एवं खाने में स्वादिष्ट होते हैं। औसत उपज जो इस किस्म की है वो 20 से 25 किलो प्रति पौधे के हिसाब से मिल जाती है। फल 180 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। दूसरी किस्म आती है मृदुला, ये भी एक अच्छी उपज देने वाली संकर किस्म है जो गणेश तथा रूसी किस्मों के संयोग से प्राप्त हुई है। इसके फल का आकार मध्यम, रंग लाल और दाने गहरे लाल रंग के होते हैं। इसके फल 140 से 150 दिन में तैयार हो जाते हैं। तीसरी किस्म है गणेश, इस गणेश किस्म के पौधे सदाबहार और मध्यम ऊंचाई के होते हैं। फल आकार में बड़े एवं पीले लाल रंग के होते हैं। दाने हल्के गुलाबी, रसदार, मीठे और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। इस किस्म की जो औसत उपज है वो 40 से लेकर 100 फल प्रति पेड़ मिलती है। अब बात करते हैं पौधों के प्रवर्धन की, तो अनार के पौधे कटिंग और गुट्टी के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। कलम से पौधे तैयार करने के लिए 1 वर्ष पुरानी शाखाओं से प्राप्त 9-10 इंच लंबी कलमों को 1000 ppm अथवा सेरेडेक्स बी या रूटेक्स से उपचारित करके पौधशाले में लगाते हैं। कलम लगाने के लिए जनवरी फरवरी या जून जुलाई का समय सबसे अच्छा माना जाता है। गुट्टी द्वारा भी अनार को तैयार किया जा सकता है। 1 वर्ष पुरानी शाखा से लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में छाल हटा देते हैं। उसके पश्चात इसके ऊपरी भाग पर 10,000 ppm IBA हार्मोन लगा देते हैं। इसके पश्चात अच्छी जड़ विकास होने पर इसको पेड़ से काटकर नर्सरी में लगा देते हैं। अब पौधे ट्रांसप्लांट करने वाली बात आती है, तो पौधे लगाने में जो दूरी है, हाँ, तो 5×5 मीटर के फासले पर जो है 100 सेंटीमीटर के गड्ढे जो है इसमें तैयार किए जाते हैं। और गड्ढे की भराई की बात आती है, तो प्रत्येक गड्ढे में 5 से 7 किलो वर्मी कंपोस्ट या 20-25 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम मिथाइल पराथियन चूर्ण को मिट्टी में मिला देना चाहिए। गड्ढे को मानसून आने से पहले भर देना चाहिए। पौधे लगाने का काम जो है जुलाई अगस्त या फरवरी मार्च में करना चाहिए। अब इसमें जो है आरंभ के 3 वर्षों तक इसके बाग में, चीकू के बाग में सब्जियां, दाल वाली फसलें भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है पौधे बहुत बड़े नहीं होते और क्योंकि 5 मीटर का फासला बहुत होता है, तो उसमें ज़मीन जो काफ़ी खाली रहती है, जिसका उपयोग आप ये अंतः फसल लेकर जो है
फायदा उसका उठा सकते हैं। अब पौधों को साधने वाली बात आती है, तो अनार के पौधों को उचित आकार व ढांचा देने के लिए अस्थाई एवं काट छांट की नितांत आवश्यकता रहती है। इस स्थान पर चार तने रखकर अन्य शाखाओं को हटाते रहें। आप सिंचाई की बात करते हैं, अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन के लिए गर्मी के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतर पर और सर्दी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करनी चाहिए। फल विकास के समय वातावरण तथा मृदा में नमी का असंतुलन रहता है तो फल फट जाते हैं। इसके लिए फल विकास के समय भूमि तथा वातावरण से निरंतर पर्याप्त नमी बनाए रखनी चाहिए। अब इसमें हम पौधों के हिसाब से, पौधों की आयु के हिसाब से कितना कितना खाद देना चाहिए उसकी एक हम डिटेल बता रहे हैं आपको। तो ये पेड़ की आयु के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपका 1 वर्ष तक का पेड़ है तो उसमें प्रति पेड़ जो है आप 8 से 10 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम जो है म्यूटा पोटास जो है वो प्रति पौधा लगा सकते हैं। जब 2 वर्ष के पौधे हों तो 16 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम इसमें म्यूटा पोटास डालें। जब 3 वर्ष के पौधे हों तो 24 किलोग्राम से 30 किलोग्राम तक प्रति पौधा गोबर की खाद, 300 ग्राम यूरिया और 750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूटा पोटास प्रति पौधा लगाएं। 4 वर्ष के पौधों को 32 किलोग्राम से 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 400 ग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम जो इसमें सिंगल सुपर फास्फेट और 150 ग्राम म्यूटा पोटास दें। 5 वर्ष के पौधे को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम यूरिया, 1.25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलो म्यूटा पोटास डालें। मृग बहार के लिए गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, म्यूटा पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा को जून माह में तथा शेष यूरिया को सितंबर माह में देना चाहिए। अंबे बहार के लिए गोबर खाद, सुपर फास्फेट, म्यूटा पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा को दिसंबर जनवरी माह में तथा शेष यूरिया को अप्रैल माह में आप पौधे में लगा सकते हैं। अब इसमें जो बहार है उसका नियंत्रण कैसे करें फल लेने के, अच्छी फल लेने के लिए, तो अनार में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं जिसे हम बहार कहते हैं। पहली है अंबे बहार जिसमें फूल जो है जनवरी फरवरी में आते हैं। दूसरी है मृग बहार जिसमें फूल जून जुलाई में आते हैं। और तीसरी है हस्त बहार जिसमें सितंबर से अक्टूबर तक फूल आते हैं। वर्ष में कई बार फूल आना और फल आते रहना उपज और गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं रहता, इसलिए अवांछित बहार का नियंत्रण कर जलवायु के अनुसार कोई एक बहार की फसल लेना ही लाभप्रद रहता है। अब पहले हम बात करते हैं बहार नियंत्रण की, तो तीनों बहारों में से कोई एक जिसे भी आप चाहें बहार का उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले प्रबंध को बहार उत्पादन कहा जाता है, जिसका जल उपलब्धता, बाजार भाव, गुणवत्ता आदि के अनुरूप चयन करना चाहिए। मृग बहार लेने के लिए पौधों में मार्च अप्रैल में सिंचाई बंद कर दी जाती है तथा मई माह में थामलों की खुदाई करके खाद और उर्वरक दे दिए जाते हैं तथा हल्की सिंचाई की जाती है जिससे जून जुलाई में फूल आते हैं। फल के विकास के समय आवश्यकता अनुसार लगातार सिंचाई करते रहना इसमें जरूरी होता है। अंबे बहार लेने के लिए पौधों को दिसंबर माह में पानी बंद कर देना चाहिए। जनवरी माह में दूसरे सप्ताह में जो है खाद और उर्वरक देने के पश्चात सिंचाई कर देनी चाहिए जिसके फलस्वरूप फरवरी मार्च में फूल आ जाते हैं। अब रसायन द्वारा पत्तियों को गिरने से बचाने का उपाय, तो 30 से 40 दिन मिट्टी की स्थिति के अनुसार पानी बंद रखा जाता है। पौधों में जब तनाव के लक्षण दिखाई देवे तब इथरेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके पत्तियों को गिरा दिया जाता है। इसके पश्चात एक हल्की सिंचाई कर दें तथा खाद और उर्वरक देकर सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार से पौधों पर भरपूर फल आएंगे। अब ये तीनों बहार हैं, इसमें कब फूल आता है, फलों की चौड़ाई कब होती है
और इसमें इसके जो लक्ष्य कुछ खास गुण हैं वो बताते हैं। तो पहली अंबे बहार में जो है फूल जनवरी फरवरी में आता है और इसके फल जब पकने पककर तैयार हो जाते हैं तो जून जुलाई में वो तोड़ने लायक हो जाते हैं। इसमें अधिक फूल फल और फलों का रंग कम लाल होता है। अब आती है मृग बहार में जो फूल हैं वो जून जुलाई में आते हैं और दिसंबर जनवरी में जो है इसके फलों की तुड़ाई की जाती है। इस बहार में कीट और बीमारी का ज्यादा प्रकोप होता है। तीसरी है हस्तबहार में जो फूल आते हैं सितंबर से अक्टूबर तक और इसके फल जो है फरवरी अप्रैल तक जो है तोड़ लिए जाते हैं। इस बहार में कम कीट और बीमारी का प्रकोप आता है, फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है लेकिन फूल और फल थोड़ा कम आते हैं। अब बात करते हैं अनार के बाग की देखभाल के बारे में। तो बाग को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सर्दी की ऋतु के अंत में सूखी और रोगग्रस्त टहनियों को काट कर अलग कर दें। अनार में फलों के फटने की समस्या को रोकने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए तथा 400 ग्राम बोरेक्स को 200 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी अनार की खेती करने की कुछ उन्नत तकनीक। इसी के साथ जो है हम अगले एपिसोड में आपको अनार में लगने वाले कीड़े और बीमारियों और उनके रोकथाम के उपाय बताएंगे। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। आप सबका धन्यवाद।